दुर्ग के रसमड़ा में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन को लेकर ग्रामीणों की प्रदूषण सहित विभिन्न मांग को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक बुलाकर अधिकारियों से की चर्चा, साथ ही दिए आवश्यक निर्देश। पिछले दिनों दुर्ग के ग्राम रसमड़ा में पर्यावरण व प्रदूषण में हो रही परेशानी को लेकर सड़क जाम कर ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की थी, जिसकी खबर लगते ही छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बुधवार को दुर्ग कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें दुर्ग कलेक्टर, SP, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित ग्रामीणों की उपस्थिति भी बैठक में हुई। SP, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित ग्रामीणों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इसी कड़ी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पर्यावरण प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं इस अवसर पर मंत्री ने दुर्ग कलेक्टर को मौके पर पहुंचकर फैक्ट्रियों को जायजा लेने दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। रसमड़ा फैक्ट्री बनने के बाद शुरू में ठीक अच्छा गाँव वालों को काफी परेशानी जाती थी, तो हड़ताल वगैरह होता था, लेकिन एक बार पिछले बार जब मैं सांसद था तो मीटिंग में लिया था, उसके बाद से करीब करीब सब बंद हो गया। अभी अचानक उस दिन हमारे सरपंच, जनपद सदस्य और गांव वालों ने प्रदूषण को लेके, बहुत ज़्यादा कालापन को लेके अचानक चक्का जाम हो गया। पहले से कोई निर्धारित नहीं था, लेकिन उसी समय मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, SDM से चर्चा किया, उस दिन तो समाप्त कर लिए थे और तय कर लिए थे कि एक मीटिंग करके हल करें सभी वर्ग को बिठा के। तो आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में अधिकारीगण भी, उद्योग के, पर्यावरण के, प्रदूषण के, CSIDC के सभी विभाग के अधिकारी और पूरे फैक्ट्री मालिक और प्रमुख जो हमारे सरपंच, जनपद सदस्य और गांव के प्रमुख लोगों का एक साथ ज्वाइंट मीटिंग की है। सारी बातों को सुनने के बाद तय किया गया जो चीज़ जानकारी लेने का, जैसे CSR के तहत 5 साल में कितना काम हुआ है उसकी जानकारी एक हफ्ते के अंदर, और प्रदूषण वाला जानकारी और जानकारियां 2-4 और जो थी उनको एक एक हफ्ते का समय दिए हैं कि नौकरी कितने लोगों की स्थानीय दी गई है, CSR मद में कितना काम हुआ है, वो सब एक हफ्ते के अंदर जानकारी अधिकारी मंगवा लेंगे सभी से। और इंक्रोचमेंट का है, रोड जो है CSIDC का, वो लोग बना नहीं पा रहे हैं तो उसको मरम्मत करने का, और मशीन जो उसमें लगा है प्रदूषण का, उनके विषय में सारी बिंदु पे चर्चाएं हुई हैं। जिस तरह ग्राम रसमड़ा के रहवासियों ने प्रदूषण और स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे मुद्दों पर बैठक में उपस्थित होकर मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी है और जल्द बेहतर हल निकालने का भरोसा जताया, इस संबंध में ग्राम रसमड़ा की सरपंच ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, ये तो रसमड़ा वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक गृह मंत्री जी श्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी की अध्यक्षता में आज यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठा हुआ, जिसमें सारी जो मुद्दे हैं, जो फर्स्ट जो मुद्दा है वो पॉल्यूशन का है, तो पॉल्यूशन का तो हुआ, लेकिन इसमें जो 4-5 जो पॉइंट थी बहुत अपन गांव के लिए जो मुद्दाएं थी उन पर चर्चा हुई है, और बिल्कुल इस पर कार्रवाई के लिए बोल दिए हैं मंत्री जी द्वारा। तो इसमें 15 दिन या महीना के लिए, 1 महीना या 15 दिन में इसका रिजल्ट अगर निकलेगा, और 15 दिन के बाद फिर बिठाएंगे, जितने लोग बैठे थे फिर बिठाएंगे, इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है वो पता चलेगा। कि वहाँ पे बहुत पुराना जो है अपन पॉल्यूशन का तो सबसे पहले मुद्दा है, और जो है बेरोज़गारी का था, जो पढ़े लिखे युवक थे उसको आधार कार्ड देख के नहीं लेना, ये तो 2-3 मुद्दे थे, लेकिन पॉल्यूशन जो है मेन मुद्दा। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।